दोस्तों आ जाइए, हम अन्य टॉपिक पे आज बात करेंगे, जिसमें कि कोई भी मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब की जाती है तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ऐसा ट्रीटमेंट लिखा जाए या ऐसा दिया जाए ट्रीटमेंट, जिससे कि हो सकता है पेशेंट को बिना ट्रीटमेंट दिए हुए उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके। यानी कि आप पेशेंट का जो ऑप्शनल होता है उसमें आप लाइफ स्टाइल जो है वो चेंजेस करवा सकते हैं, उसको काउंसलिंग कर सकते हैं। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिससे कि विदाउट मेडिसिन आप व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। जिसमें कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपको काउंसलिंग करके ही उस मेडिसिन उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, साथ में उसकी कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करके उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो जिसमें कि GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लाइफ स्टाइल अगर आप चेंजेस करते हैं तो उस व्यक्ति को क्योर किया जा सकता है। उसके बाद में ओबेसिटी, ये भी आप एक लाइफ स्टाइल पर डिपेंडेड है। अगर आप जंक फूड या बाहरी बेवरेज फूड या फिर जो भी ऐसे फूड या तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जिससे कि आप लोग इसको कंट्रोल करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे, तो ये आपका ठीक हो सकता है। इंसोमैनिया, अनिद्रा की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी जिससे व्यक्ति को नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। इसमें पेशेंट को हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को काउंसलिंग किया जाए, जिससे कि वो अगर व्यक्ति रात में जगता है, बेवजह जगता है, बिना किसी कारण के, कहीं टीवी देखने लगता है, कहीं मोबाइल रात भर देखता रहता है, कहीं सोच में पड़ा रहता है, तो पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंजाइटी भी होने लगती है। ऐसी सारी समस्याएँ होती हैं जिसको पेशेंट को काउंसलिंग करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके साथ में हाइपर लिपिडीमिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की लिपिड फंक्शन प्रोफाइल में अगर उसका लिपिड बढ़ रहा है तो उसको भी लाइफ स्टाइल चेंजेस करके उसको चेंज किया जा सकता है, या उसकी काउंसलिंग करवा के उसको चेंजेस किया जा सकता है। जैसे कि आपने उसको काउंसिल किया कि आप ओबेसिटी वाला खाना ना खाएं, जिससे कि आपको लिपिड की प्रोफाइल जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ती है, और उसके साथ साथ में आप उसको ये भी काउंसिल कर सकते हैं कि आप लोग सुबह सुबह टहलने की कोशिश करें, आप कुछ ऐसी मेडिसिन ना लें जिससे कि उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेशेंट को काउंसिल करके उस व्यक्ति को जो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट जो मेडिसिन पर डिपेंड है। कुछ दवाइयों के ऊपर पेशेंट डिपेंड होते हैं, वो कुछ दवाइयों के माध्यम से पेशेंट को दिया जा सकता है और उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो ट्रीटमेंट क्या होता है, आज अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो भी दवाई ऐसी दी जाए जिससे कि जो भी बेनिफिट है, बेनिफिट की बात करते हैं, जिसमें रिस्क एनालिसिस किया जाए, यानी कि उसमें जो भी रिस्क होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिसको उसको बेनिफिट मिले उस चीज़ का। उसके बाद पेशेंट फैक्टर, पेशेंट के फैक्टर में क्या देखते हैं, जिसका फिजियोलॉजिकल स्टेटस और ऑनगोइंग थेरेपी, जो थेरेपी चल रही है और उसकी फिजियोलॉजिकल बॉडी जो बता रही है उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाए, जिससे कि व्यक्ति ठीक हो सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर जिसमें मेडिसिन फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे मेडिसिन इफेक्ट अगर करेंगे तो उसमें सबसे पहले देखेंगे उस मेडिसिन की क्या एफिकेसी है, क्या सेफ्टी है, क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक और क्या उसकी फार्माको डायनेमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। अदर फैक्टर अगर देखते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी और उसकी कॉस्ट, क्या कॉस्ट करती है जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिले। इसके साथ में अगर आप इन दोनों को आप देख लें तो उसमें कुछ पी ड्रग्स होती हैं जिसमें कि आप जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं उसमें, जैसे कि राइट मेडिसिन होनी चाहिए, राइट डोज में होनी चाहिए, और राइट फॉर्मुलेशन होनी चाहिए, राइट फ्रिक्वेंसी के साथ में होनी है, और राइट ड्यूरेशन होनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट के अंदर एफिकेसी अच्छी देखने को मिलेगी, सेफ्टी अच्छी देखने को मिलती है, सूटेबिलिटी अच्छी देखने को मिले, और कॉस्ट भी इफेक्टिव पेशेंट को पहुँच करती है। सो दीज आर पैरामीटर जो कि डिपेंड करते हैं पेशेंट के बेनिफिट्स के ऊपर, और पेशेंट जब भी मेडिसिन को लिखवाने जाता है या डॉक्टर इस चीज़ में कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ जरूर देखते हैं। सो हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।